हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स 07 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन ब्रास ऑफ डंपर ट्रक एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इसका पार्ट वन यानी कि मेथड वन मैंने आपको बताया था जो कि पिछली वीडियो में। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा मेथड टू, कि मेथड टू में कैसे हम ट्रक या डंपर में सैंड या जो भी सॉइल का मतलब कितनी है उसमें क्वांटिटी कैसे हम पता लगाते हैं। तो ये मेथड वन में हमने क्या किया, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। उसमें हमने क्या किया था कि ये 13 फिट जो हमने मतलब साइज़ ली हुई थी, ये 13 फिट और 5 इंच, तो हमने इंच को कन्वर्ट कर लिया था किसमें, फिट में। तो यहाँ पे ये तरीका मतलब थोड़ा हार्ड हो जाता है मेथड वन वाला। मेथड टू में हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा ये 13 फिट है इसको हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर हमने एक ट्रक की हमने जो साइज़ ली है वो क्या है, 13 फिट 5 इंच इंटू 7 फिट 7 इंच और इंटू 3 फिट 4 इंच। ठीक गाइस, तो ये अपने ट्रक की साइज़ ली हुई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये 13 फिट जो हमारा उसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो इंच में मैं कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 13 फिट में जो तो हमारे 13 उसमें हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। तो हम 12 से गुणा कर देंगे तो 156 आ जाएगा, प्लस 5 कर देंगे तो हमारा 161 आ जाएगा। क्या आएगा, ये इंच, इंच में ये वैल्यू हमारी आ गई, ये इतना हमारा कन्वर्ट हो गया इंच में। उसके बाद इसमें भी हम वही करेंगे, 7 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 84 आ जाएगा, उसमें 7 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 91 आ जाएगा। ठीक गाइस, तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या है, 3 में 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 प्लस 4 ये वाला। ठीक गाइस, तो हमारा हो जाएगा 40। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ये फिट और इंच वाला, ये मतलब कि ये जो साइज़ थी हमारी कन्वर्ट होगी एक यूनिट में आ गई इंच में। ठीक, अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 586040 क्यूब इंच। तो ये हमारा निकल गया ट्रक या डंपर की एरिया, ठीक मतलब कि वैल्यू निकल आया ये। उसके बाद इसमें हमें ब्रास में हमें कैसे निकालना होगा, यानी कि ब्रास में क्या क्वान्टिटी होगी इसके अंदर मटेरियल की। तो ब्रास में निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो ये हमारी ये वैल्यू आई हुई है सेम वैल्यू उसमें यानी कि 586040 में डिवाइड कर देना है 172800, इतने से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.39 ब्रास। तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेथड वन का जो हमने बताया था इसमें भी हमारा 3.39 ब्रास आया था सेम मतलब कि साइज़ के लिए। ठीक गाइस, तो ये हमारा सेम वो आ गया। अब इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक ब्रास इसका यानी कि इससे हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है। ठीक गाइस, तो यहाँ पे मतलब कि 172800 से हमने यहाँ पे मल्टी मतलब कि डिवाइड क्यों किया है, तो डिवाइड इसलिए किया मैं आपको बता देता हूँ कि वन ब्रास इसकल टू क्या होता है, 10 फिट इंटू 10 फिट इंटू 1 फिट। ठीक गाइस, तो ये होता है, इसको हमने इंच में कन्वर्ट कर लिया तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 इंटू 120 इंटू 12 आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक गाइस, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 172800। ठीक है, 172800 ये आ गया। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसने से हमने मल्टी लग के डिवाइड किया था। ठीक, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।